हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू किड्स आर अस। तो बच्चों, आपको पता है आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज लेसन नंबर 2, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? MCQS, यानी कि टेक द करेक्ट आंसर। यानी कि क्वेश्चन के नीचे चार ऑप्शन दिए जा गए हैं, उनमें से सही आंसर के सामने वाले बॉक्स में आपको टिक यानी कि राइट की निशानी लगानी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। CPU इज द इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। सो CPU कैसा डिवाइस है? तो वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो उसके सामने वाले बॉक्स में हमने राइट की निशानी लगाई। दूसरा, विच की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। यानी कि कौन सी की है जो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए यूज होती है? तो एंटर की, स्पेस बार की, शिफ्ट की या कैप्स लॉक की? तो सही आंसर है एंटर की। तो उसके सामने वाले बॉक्स में हमने ऐसे राइट की निशानी लगाई है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर? तो सही आंसर है प्रिंटर। तो प्रिंटर के सामने वाले बॉक्स में हमने ऐसे राइट की निशानी लगाई है। चौथा, हार्ड डिस्क इज प्रेजेंट इनसाइड द मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU बॉक्स या प्रिंटर? तो सही आंसर क्या है? CPU बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज XP, लिनक्स, MS वर्ड या विंडोज विस्टा? चार ऑप्शन में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो सही आंसर है MS वर्ड। चलो अब आगे। आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? टेक द राइट फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि सही स्टेटमेंट के आगे हमको ऐसे राइट की निशानी लगानी है और गलत स्टेटमेंट के आगे ऐसे क्रॉस की निशानी लगानी है। चलो पहला वाला हम रीड करते हैं। हार्डवेयर मे बी प्रेजेंट आउटसाइड और इनसाइड द सॉफ्टवेयर। यानी कि हार्डवेयर या तो कंप्यूटर के इनसाइड अंदर की साइड या आउटसाइड यानी कि बाहर की साइड होता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट राइट है। तो उसके सामने वाले बॉक्स में हमने ऐसे राइट की निशानी लगाई है। दूसरा, स्पेस बार की इज यूज्ड विथ अदर कीज फॉर अ डिफरेंट पर्पस। यानी कि डिफरेंट पर्पस के लिए स्पेस बार की दूसरी की के साथ यूज की जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो उसके सामने हमें ऐसे बॉक्स में क्रॉस की निशानी लगाई है। तीसरा, CPU इज नोन ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट राइट है। तो सामने वाले बॉक्स में हमने ऐसे राइट की निशानी लगाई है। चौथा, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना वर्क नहीं कर सकती। तो ये वाला स्टेटमेंट है राइट। तो उसके सामने वाले बॉक्स में हमने ऐसे राइट की निशानी लगाई है। पांचवा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंसेंशियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। तो उसके सामने वाले बॉक्स में हमने ऐसे क्रॉस की निशानी लगाई है। चलो आगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। यानी कि दी हुई खाली जगहों को हमें हेल्प बॉक्स के मदद से फिलअप करना है। पहली ब्लैंक्स, ब्लैंक इंक्लूड्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है? तो वो है हमारा हार्डवेयर। तो पहली वाली बॉक्स में कौन सा आंसर आएगा? हार्डवेयर। टू डिलीट अ लेटर और अ वर्ड आफ्टर द कर्सर
वी कैन यूज द ब्लैंक की, यानी कि कर्सर के बाद वाले लेटर और वर्ड्स को डिलीट करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, तो वो है हमारी डिलीट की। तो ये वाली ब्लैंक्स में क्या आएगा, डिलीट आंसर। तीसरा, अ ब्लैंक इज यूज्ड टू मेक अ प्रिंट आउट ऑफ अवर वर्क ऑन अ पेपर। तो प्रिंट आउट्स लेने के लिए जो हमने वर्क किया है ना, वो पेपर पे लेने के लिए, उसकी प्रिंट आउट निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो वो है हमारा प्रिंटर। तो तीसरी वाली ब्लैंक्स में कौन सा आंसर आएगा, प्रिंटर। चौथा, सीडी इज ब्लैंक इन द शेप एंड कैन स्टोर ऑफ डेटा, यानी कि सीडी का शेप कौन सा होता है एंड स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा, उसमें बहुत सारे डेटा भी स्टोर होते हैं, तो सीडी का शेप कैसा होता है, तो वो है सर्कुलर, यानी कि गोल, राउंड शेप में होती है सीडी। तो सही आंसर क्या आएगा, सर्कुलर। पांचवी ब्लैंक्स, वी कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और एप्लीकेशन ऑन अ प्रोग्राम यूजिंग एन ब्लैंक सॉफ्टवेयर, यानी कि हमें स्पेशल टास्क और एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर पे किसका यूज करते हैं, तो वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बच्चों, हमने मैंने जैसे सिखाया ना, क्वेश्चन ए ए बी और सी, उसके मुताबिक पीडीएफ में देख के आपको आपकी टेक्स्ट बुक में समझ के फिलअप करना है। बाय।